हेलो एवरीवन वेलकम नाउ वी विल स्टडी द सब्जेक्ट रेडिएशन फिजिक्स ऑफ डीआरटी पार्ट फर्स्ट जैसा कि आपको पता है रेडिएशन फिजिक्स के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इसी टॉपिक को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे आगे का नया टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक बार लास्ट लेक्चर के टॉपिक का शॉर्ट रिविज़न कर लेते हैं जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे थे ठीक है सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ठीक है फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम ठीक है किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज का फ्लो होना पर यूनिट टाइम में कि क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है ठीक है एक्चुअली में होता क्या है कि आपके जो कंडक्टर होते हैं कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ठीक है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह बट उनकी जो डायरेक्शन होती है वो कंफर्म नहीं होती है दैट मीन्स सब अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करते रहते हैं ठीक है बट जैसे ही आप उस कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो दैट मीन्स विभवांतर लगाते हो उस वक्त सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन मिलती है ठीक है और वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो होते हैं अब ओबियस ये बात है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पाया जाता है अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा दैट मीन्स चार्ज भी फ्लो होगा ठीक है और ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है ठीक है इसी को हम करंट बोलते हैं ठीक है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट ठीक है इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं इसका फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी ठीक है क्यू चार्ज टी टाइम ठीक है इसकी यूनिट होती है एम्पेयर और गुलाम पर सेकेंड जैसा कि क्यू बाई टी से आता है आपका गुलाम पर सेकेंड ठीक है इसके बाद में हमने डिस्कस किया था ओम स्लो ओम का नियम अब ओम क्या बताता है ठीक है ओम कहता है कि कोई भी सर्किट है ठीक है अपना कोई भी सर्किट है इलेक्ट्रिकल सर्किट है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो उस वक्त उस सर्किट के अंदर फ्लो होने वाला करंट है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सर्किट पे लगाए गए विभवांतर के दैट मीन्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है बट इसके लिए एक कंडीशन होती है कंडीशन है कि आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए ठीक है अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट ठीक है आई इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द वी जैसे ही आप यहां पर डायरेक्टली प्रपोर्शनल का साइन हटाते हो तो आपके पास आपका फॉर्मूला मिलता है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर ठीक है आया समझ में अब यहाँ पे आर क्या है जब अपन किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो कॉन्स्टेंट लेके आते हैं उसी तरीके से यहाँ पे आर यहाँ पे कॉन्स्टेंट है बट इस आर को रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है रेजिस्टेंस दैट मीन्स प्रतिरोध ठीक है आर इज नोन एज रेजिस्टेंस हेयर ठीक है तो ये आपका जो ओम का नियम था और ओम के नियम के अकॉर्डिंग आपके पास फॉर्मूला आता है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर ठीक है इसके बाद में हमने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस के बारे में प्रतिरोध के बारे में आर के बारे में ठीक है रेजिस्टेंस जिसको हम आर से डिनोट करते हैं रियली के अंदर होता है क्या है रेजिस्टेंस? करंट फ्लो इन एनी कंडक्टर रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है ठीक है जो क्या करती है किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं जिनके कारण करंट फ्लो रहा है उसका वह ओपोजिशन करता है ठीक है ओपोज करता है प्रतिरोध करता है इसी को हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं ठीक है थीक? और जो डिवाइस होती है ठीक है या फिर वो जो कंडक्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लोर है करंट फ्लोर है जहां पे रेजिस्टेंस है और वो उस करंट का ओपोज कर रहा है वो आपका कंडक्टर या फिर वो डिवाइस रजिस्टर कहलाता है ठीक है और ऐसी डिवाइस जिसका रेजिस्टेंस अगर हम चेंज कर सकते हैं या फिर जिसका रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है वो रियोस्टेट कहलाता है अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आर का फॉर्मूला निकालें तो वहाँ से आपका आर का फॉर्मूला आता है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई ठीक है आर की जो आपका रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट होती है ओम ठीक है इसके सिंबल इसके यूनिट के बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था तो ऑब्वियस ही बात है तीन टॉपिक्स हमने क्लियर किए थे इलेक्ट्रिक करंट ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस ठीक है अब हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी नाम अलग अलग हैं टॉपिक एक ही है रेजिस्टिविटी भी एक ही चीज होती है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी एक ही चीज होता है इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम समझते क्या है यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी टॉपिक अपन जब पढ़ते हैं तो अपन क्या समझते हैं मेनली यहाँ पे अपने को यह समझाया जाता है कि जो आपका रेजिस्टेंस है जो प्रतिरोध है वो मटेरियल की किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है या फिर कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं तो मेनली यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं जो भी आपका कंडक्टर है उसकी एक तो होती है लेंथ दूसरा होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ठीक है अब कैसे डिपेंड करता है ये हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे देन हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी की द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर एट ए गिवन टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द मेटेरियल एंड इट्स डायमेंशन जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहां पे हमने एक कंडीशन ली है एट ए गिवन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा ठीक है हम एक ही टेम्परेचर की बात करेंगे जितने भी आपके फिजिक्स के प्रैक्टिकल होते हैं वहां पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस वजह से जो आपका टेम्परेचर होता है आप उस टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट ले चलते हो ठीक है तो यहाँ पर हमने बात की है कि रजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर किसी भी रजिस्टर का प्रतिरोध डिपेंड करता है उस मटेरियल पे और उसके डायमेंशन पे फर्स्ट ऑफ़ ऑल मटेरियल क्वालिटी कैसी है और सेकंड डायमेंशन कैसे है जैसे कि अगर आपको पता होगा कि जो आपके धातु हैं धातु के अंदर सभी धातुओं की ठीक है जितने भी मेटल्स हैं ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर है वो ठीक है अब उनमें क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा प्रैक्टिकली कि कुछ कंडक्टर्स या फिर कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो अच्छी कंडक्टर होती हैं और कुछ ऐसी हैं जो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाती अपन प्रैक्टिकल लाइफ में काम भी लेते हैं कहीं पे अपन कॉपर ले रहे हैं कहीं सिल्वर ले रहे हैं कहीं आयरन ले रहे हैं कहीं एलुमिनियम ले रहे हैं सब डिपेंड करता है उनके कंडक्टिविटी पे तो ऑब्वियसली बात है कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी को आप रिलेट कर सकते हो ठीक है एक होती है कंडक्टिविटी और एक रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी दैट मीन्स जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी कम होगी वो कम कंडक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को और इसी वजह से वो करंट को भी कंट कंडक्ट कर पाएगा बट अगर किसी की रेजिस्टिविटी कम है दैट रेजिस्टेंस कम है तो उसकी क्या होगी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी अब अपन बात करते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 की द आर को हमने आर लिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ए ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रजिस्टर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता क्या है दो डायमेंशन अपन ने यहां पे लिए हैं एक लेंथ होता है और एक क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ठीक है लेंथ की अगर अपन बात करें तो यहां पे क्या होता है कि जैसे जैसे आप कंडक्टर की या फिर रजिस्टर की लेंथ बढ़ाते हो उसका रजिस्टेंस बढ़ता है ठीक है क्यों बढ़ता है आप एग्जाम्पल के ऊपर लेके चलो कि आपका जो आपको कहीं पे ट्रेवल करना है ठीक है और आपका जो रास्ता है वो एक किलोमीटर का है और उसके अंदर बाधाएं आ रही हैं आपको ठीक है दूसरा अगर वही रास्ता आपका इंक्रीज़ कर दिया जाए तो क्या होगा बाधाएं आपको ज़्यादा मिलेंगी दैट मीन्स साफ़ है कि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है जैसे जैसे आप वायर की या फिर कंडक्टर की लेंथ बढ़ाते हो रजिस्टेंस उसका बढ़ता जाता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा मूव करना पड़ेगा ज़्यादा चलना पड़ेगा ठीक है दूसरा हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया की ठीक है क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप बढ़ाते हो ठीक है अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए स्पेस ज़्यादा मिलेगी यहाँ पे ठीक है अगर उनको स्पेस ज़्यादा मिलेगी तो फ्रीली इजीली मूव कर सकते हैं इस वजह से अगर एरिया बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस कम होगा और अगर एरिया घटाते हो तो आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा एरिया अगर आप कम कर दोगे तो क्या होगा आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मूव करने के लिए जगह नहीं मिलेगी और वो कोलाइड होंगे और वहाँ पर रेजिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने के अंदर दिक्कतें होंगी जेम जैसा कि इसका भी एग्जाम्पल आप रोड और वे से रिलेट कर सकते हो अगर आपकी रोड की व्यर्थ कम है तो ऑब्वियस सी बात है आपको जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा और वहीं पे अगर आपकी रोड की व्यर्थ ज़्यादा है तो आप इजीली मूव कर सकते हो बिकॉज आपके पास स्पेस ज़्यादा होता है सेम कंडीशन यहाँ पे होती है तो इसी एग्जांपल से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि, कि किस तरीके से रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ठीक है अब जैसे ही हम इस चीज को मैथमेटिकली लिखते हैं तो आपका यहां पे आता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए ठीक है जैसा कि अभी हमने ओम्स लॉ में भी बात की थी कि हम डेरिवेशन के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं जैसे ही हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो यहां पे हम रखते हैं आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए अब जो ये रो है ये ही क्या कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कहलाता है ठीक है आया समझ में कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या है ये जो कांस्टेंट है रो है यही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कहलाता है और ये आपको बताता है कि किस तरीके से आपके किसी भी रजिस्टर के अंदर रजिस्टेंस कितना होगा या फिर उसकी कंडक्टिविटी या फिर उसमें करंट फ्लो कितना होगा ठीक है तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिलता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए रजिस्टेंस यहाँ पे एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और रो यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कहलाता है वेयर रो इज अ कॉन्स्टेंट कॉल्ड द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो एक कॉन्स्टेंट है जिसे हम रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर ठीक है जैसे कि अगर आप यहाँ पे यूनिट निकालोगे रो की तो आप जैसे फॉर्मूला देख सकते हो ठीक है रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल ठीक है आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो आपकी रेजिस्टेंस की यूनिट हुई ओम एरिया एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर तो ऊपर आपके पास आया ओम इंटू मीटर स्क्वायर अब अपन नीचे की बात करें तो नीचे आपके पास है एल एल की यूनिट होगी मीटर ठीक है ऊपर मीटर स्क्वायर है नीचे मीटर है तो इससे एक मीटर घट जाएगा तो ऊपर आपके पास बचेगा ओम मीटर तो यहीं से हम यूनिट निकालते हैं और आपके पास रो की यूनिट आती है ओम मीटर और जो रेजिस्टिविटी रो है या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो है उसका फॉर्मूला आपको मिलता है रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल दिस रिलेशन रिवील्स दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ थिक वायर वुड बी लेसर देन दैट ऑफ अ थिन वायर ये रिलेशन अपने को यह है बताता है ठीक है या फिर जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि जो आपका थिक वायर है उसका रेजिस्टेंस कम होगा थिन वायर के कंपैरिजन में ओवैसी बात है थिक वायर का क्या होगा क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा और अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो आपका रेजिस्टेंस कम होगा बिकॉज रेजिस्टेंस ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेम कंडीशन अगर आपका कोई वायर थिन है तो वहाँ पर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो रेजिस्टेंस आपका वहाँ पर ज्यादा होगा द रेजिस्टेंस इज ग्रेटर इफ लेंथ इज ग्रेटर यही बात अगर हम लेंथ में करें तो लेंथ जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा जैसे जैसे आप किसी भी कंडक्टर या फिर रजिस्टर की लेंथ को कम करते हो तो आपका रजिस्टेंस कम होगा द रेसिप्रेकल ऑफ रजिस्टिविटी वन अपॉन रो इज कोल्ड कंडक्टिविटी सिग्मा एंड इट्स यूनिट इज मो अपॉन मीटर अब अपन बात करते हैं कंडक्टिविटी की मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि रेजिस्टिविटी का उल्टा ठीक है रेसिप्रोकल क्या होता है कंडक्टिविटी होती है किसी भी अपन मेटल की बात करें कंडक्टर की बात करें या फिर रजिस्टर की बात करें अगर उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी दैट मीन्स वो ज़्यादा करंट को फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका रेजिस्टेंस कम है इसी वजह से वह ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है दैट मीन्स उसकी रजिस्टिविटी कम है और कंडक्टिविटी ज़्यादा है ठीक है तो यहाँ से हम कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकालते हैं तो कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से ठीक है और जैसा कि आपको पता है कि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है दैट मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू वन अपॉन रो और अगर अपन बात करें यहाँ पे कंडक्टिविटी की यूनिट की तो कंडक्टिविटी की यूनिट होती है मो अपॉन मीटर या फिर मो मीटर इनवर्स ठीक है ये यह आपकी यहाँ पे कंडक्टिविटी की यूनिट आपको मिलती है तो ऑब्वियस ही बात है आपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट आप लोगों ने देखा है घर पे भी कि जब आप किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाते हो दैट मीन्स करंट को फ्लो करवाते हो तो वो जो आपका कंडक्टर है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है वो कंडक्टर गर्म हो जाता है ठीक है तो ये गर्म क्यों होता है या फिर कैसे होता है ठीक है इसी के बारे में आज अपन पढ़ेंगे यहाँ पे इसका मेनली प्रिंसिपल क्या होता है कि आपका जो वायर है ठीक है जो आपका कंडक्टर है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं तो उनकी संख्या वहाँ पे क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है और उनका क्रॉस सेक्शन एरिया आपका क्या होता है कम होता है इस वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में वहाँ पर क्या करते हैं कूलाइड करते हैं मतलब टकराते हैं ठीक है टकराने अब वो आपस में भी टकरा सकते हैं या फिर दूसरे एटम के साथ में भी टकरा सकते हैं अब क्या होगा फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनके पास कौन सी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी होती है ठीक है जब वो टकराते हैं उस वक्त ये काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है और ये काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस होती है और आपके कंडक्टर में से हीट निकलती है और आपके कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ठीक है इसी को पढ़ते हैं वैन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू हीट एनर्जी जब किसी भी कंडक्टर में से आप इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाते हो दैट मीन्स करंट फ्लो करवाते हो ठीक है जिसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस ऑब्वियसली बात है कंडक्टर का रेजिस्टेंस कोई ना कोई जरूर होगा अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो हो रही है उसमें से कुछ अमाउंट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है अब कैसे कन्वर्ट होती है ये अभी अपन डिस्कस करेंगे दिस हीट एनर्जी विल रेज द द ऑफ कंडक्टर ये हीट एनर्जी क्या करती है आपका जो कंडक्टर होता है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है दिस हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज दे मूव थ्रू द मेटल ऑन देयर वे कोलाइड फ्रीक्वेंटली विद एटम्स एंड गिव सम ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी टू द एटम्स जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हीट प्रोड्यूस कहती कैसे होती है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो करंट को ले जा रहे हैं दैट मीन्स चार्ज को ले जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह ठीक है करंट फ्लो हो रहा है उनके थ्रू वो क्या करते हैं जब वो मूव करते हैं तो वो दूसरे एटम से टकराते हैं और जब वो ऐटम्स से टकराते हैं तो वो जो उनकी खुद की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उनका लॉस होता है वो उन एटम्स को काइनेटिक एनर्जी देते हैं और वो वहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और उस मेटल से या फिर उस कंडक्टर से आपको हीट प्रोवाइड होती है दैट मीन्स उस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ठीक है यही आपका है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से हीट निकलती है अब अपन बात करेंगे कि किन किन फैक्टर्स पे हीटिंग इफ़ेक्ट डिपेंड करता है दैट मीन्स किसी भी कंडक्टर में से जो हीट निकल रही है वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी और कैसे डिपेंड करेगी उसी के बारे में अभी अपन डिस्कस यहाँ पे करेंगे द एटम विच गेंस द कानेटिक एनर्जी जनरेट्स हीट इन द कंडक्टर ये तो अभी अपन ने बात कर ली कि जो आपका कंडक्टर होता है कंडक्टर के अंदर यही जो काइनेटिक एनर्जी होती है जो एटम्स ले रहे हैं काइनेटिक एनर्जी को जब वो टकराते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी ही हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है या फिर वो हीट को प्रोड्यूस करते हैं या जनरेट करते हैं अब अपन फैक्टर्स की बात करने के लिए यहाँ पे एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ठीक है हीटिंग के लिए जूल ने एक नियम दिया था वो नियम के अंदर जूल बताते हैं आपको कि किस तरीके से किन किन फैक्टर्स पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है द हीट एच डेवलप्ड इन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यहाँ पे हीट को उन्होंने एच लिया था किसी भी कंडक्टर में प्रोड्यूस होने वाली हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तीन फैक्टर की तीन फैक्टर पे वो डिपेंड करती है और तीनों ही फैक्टर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है द स्क्वायर ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर करंट को अपन आई से डिनोट करते हैं ठीक है और जूल ने ये बताया था कि जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के अब ये आपको भी पता है कि जितना ज़्यादा आप करंट फ्लो करोगे उतनी ज़्यादा ही आपको वहाँ पे हीट मिलेगी बिकॉज उतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड होंगे दूसरे एटम से और उतनी ही ज़्यादा आपको काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती हुई मिलेगी आपको ठीक है रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर अब अपन बात करते हैं रेजिस्टेंस से कैसे रिलेट किया या फिर रेजिस्टेंस से कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ जैसे कि आपको पता है अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ठीक है रेजिस्टेंस अपना ज्यादा होगा तो उस वक्त कंडक्टिविटी कम होगी कंडक्टिविटी कम होने का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम मूव करेंगे ठीक है और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम मूव करेंगे इसका मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे कोलिजन ज्यादा हो रहा है इसी वजह से वो कम मूव कर पा रहे हैं ठीक है अगर वो ज्यादा मूव करते दैट मीन्स कोलिजन तो हो ही नहीं रहा वहाँ पे कोलिजन होता कोलिजन के कारण ही तो वो कम मूव कर पा रहे हैं तो उस वक्त जो आपके काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी के अंदर ज़्यादा कन्वर्ट होगी दैट मीन्स अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा किसी भी कंडक्टर का तो आपको वहां पे हीट भी ज़्यादा मिलेगी ठीक है एंड टाइम टी ऑफ द फ्लो ऑफ करंट ये भी प्रैक्टिकली आप देख सकते हो कि जितनी ज़्यादा समय तक करंट फ्लो होगा उतने ज़्यादा वहां पे कोलिजन होंगे और इसी वजह से वहां पे क्या होगा हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और इसी से अपना जूल्स का नियम आता है एच इजल टू आई स्क्वायर आर टी ठीक है और हीट जो होती है ठीक है वो उसके जो यूनिट होती है वो आपको मिलती है जूल जूल ने बताई थी इसकी यूनिट अपन जूल लेते हैं ठीक है थीके? तो ऑबियसली बात है तीन फैक्टर है आपके पास एक करंट है एक रेजिस्टेंस है और एक टाइम है करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट ठीक है Thank you.